हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लाया हूँ 30x40 का हाउस प्लान। तो देखिए कैसे मैंने इसको प्लान किया है। आगे चल के मैं इसका पूरा डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसमें कुछ छूट गया हो या मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लव यू ऑल। सो वीडियो के अंत तक बने रहो भाई लोग, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आगे मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चलिए। चलिए अब मैं इसको कलर करके दिखाता हूँ, ये देखने में अब थोड़ा अच्छा दिखेगा कलर होने के बाद से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेन गेट, उसके बाद से एंटर करेंगे अपने लिविंग रूम में, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 7 इंच। उसके बाद से अपना स्टडी रूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाई 8 फीट 7 इंच। एंड दिस इज आवर डाइनिंग कम ड्राइंग, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट 3 इंच बाय 19 फीट 6 इंच। उसके बाद से अपना ये किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 7 फीट 1 इंच। उसके बाद से बढ़ेंगे अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाय 12 फीट में ये शानदार बेडरूम आपका बैठेगा। उसके बाद से अपना पूजा रूम, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट 4 इंच बाय 8 फीट का। उसके बाद से अपना सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाय 12 फीट का। उसके बाद से अपना लेट कम बाथरूम, अटैच्ड लेट कम बाथरूम, जो मैंने इस सेकेंड बेडरूम से अटैच रखा है, जिसका साइज मैंने रखा है 4 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 1 इंच। उसके बाद से अपना सेकेंड कॉमन बाथ एंड लेटरिंग, जिसका साइज मैंने रखा है 6
सिक्स फीट फोर इंच बाई सेवन फीट वन इंच, उसके बाद से अपना स्टेयर, यहाँ से स्टेयर अप, ये हो गया अपना लैंडिंग। स्टेयर का चौड़ाई मैंने रखा है 6 फीट 10 इंच और इसका लंबाई मैंने रखा है 9 फीट 8 इंच। 9 फीट 8 इंच में ये शानदार आपका स्टेयर बैठेगा। एंड दिस इज आवर लास्ट बेडरूम जिसका साइज मैंने रखा है 11 फीट बाय 12 फीट का। सो यही है इसका प्लान गाइस, इसमें आपको कॉलम्स दिखने को मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। 20 कॉलम्स मिलेंगे आपको 30 by 40 का हाउस प्लान। नोज ऑफ कॉलम्स 20, जिसमें 16 mm का सरिया 4 डालना है आपको कॉलम्स में। और कॉलम का साइज रहेगा 10 x 12 इंच का और बिल्डिंग कॉस्ट आएगा आपका 15 से 20 लाख। सो यही है आज का प्लान गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर बहाड़, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना हो।